पे सोचने का विषय है कि आखिर सफाई कर्मचारी सड़कों पर क्यों। हम सरकार की योजनाओं को, मोदी सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना है, योगी सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना है स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, आज हम गाँव को स्वच्छ कर रहे हैं, शौचालय बनवा रहे हैं, ODF कर रहे हैं, सारे काम को कर रहे हैं, लेकिन हमको उसको छोड़ करके सड़कों पर क्यों आना पड़ा। इसलिए आना पड़ा, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि जब सड़कें सूनी होती हैं तो संसद हमारा हो जाती है। आखिर आज हमें सड़कों पर उतरना पड़ा अपने 15 सूत्री मांगों के लिए। 10 साल का वक्त बीतने जा रहा है, प्रमोशन सबका अधिकार होता है संवैधानिक, हमारा भी प्रमोशन अधिकार है, लेकिन 10 साल होने जा रहा है, हमारे प्रमोशन की कोई व्यवस्था नहीं है। 1900 ग्रेड पे सारे चतुर्श्रेणियों को मिले, लेकिन हमारे चतुर्श्रेणी की कोई व्यवस्था नहीं है। मैं एक बात कहूंगा तो सुनकर के ताजुब लगेगा कि चाहे सेक्रेटरी हो चाहे कोई भी अधिकारी कर्मचारी हो, उसके वेतन प्रमाण पत्र पर प्रधान हस्ताक्षर नहीं करता है, लेकिन हिंदुस्तान के इतिहास में, भारत के संविधान में, बाबा साहब राव भीमराव अम्बेडकर की सम्मान के देश में सिर्फ सफाई कर्मचारी एक ऐसा कर्मचारी है जिसके वेतन प्रमाण पत्र पर प्रधान पेरोल पर हस्ताक्षर करता है। हम एक जनप्रतिनिधि के हस्ताक्षर से हमें वेतन मिलता है, ये शर्म की बात आनी चाहिए। मैं चाहूँगा कि जब एक देश है, एक संविधान है, तो जो नियम लेखपाल के ऊपर है, सेक्रेटरी के ऊपर, वही हमारे सफाई कर्मचारियों पर भी लागू हो, क्योंकि हम भी राज्य कर्मचारी हैं। और ये कहना चाहूँगा कि जब एक देश एक टैक्स की व्यवस्था है, मोदी जी ने कहा कि एक देश एक टैक्स होगा तो देश मजबूत होगा। मोदी जी, हम आपसे पूछना चाहते हैं, योगी जी पूछना चाहते हैं, अखिलेश जी और बहन मायावती जी और राहुल गांधी जी से पूछना चाहते हैं, एक देश एक टैक्स, एक देश एक संविधान, तो एक देश एक पेंशन क्यों नहीं? ये हाथ तपतपा करके लोकसभा और विधानसभाओं में अपने वेतन को बढ़ा लेते हैं, अपने पेंशन को पुरानी कर लेते हैं, लेकिन जब हमको देने की बात आती है तो कहते हैं कि अधिकारी कर्मचारी शिक्षक देश पे बाहर है। लेकिन मेरा अपना मानना है कि शिक्षक अधिकारी कर्मचारी ही सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुँचाता है।